पूरे जम्मू कश्मीर से कोई 100-150 लोग आए हैं और सभी लोग अरविंद जी की सिपाही हैं। आपने अरविंद केजरीवाल जी के गिरेबान पे हाथ डाला है, ये आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक साबित होगा। यहाँ तानाशाही ने ऐसा अपना सर निकाला है, आज मीडिया भी परेशान, आज लोग भी परेशान, आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी परेशान, आज सोशल एक्टिविस्ट भी परेशान, आज पॉलिटिकल लीडर्स भी परेशान। जो मोदी जी की कहना नहीं मानता है उसको पीछे ईडी और सीबीआई लगा देते हैं। इस समय हम रामलीला ग्राउंड में हैं और यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल जो कि इस समय ईडी की गिरफ्त में, उनके समर्थन में यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लोग पहुँचे। आप लोग कहाँ से यहाँ पर हैं वो आए हैं? हम कश्मीर से आए हैं और कल पहुँचे हैं यहाँ पे। पूरे जम्मू कश्मीर से कोई 100-150 लोग आए हैं और सभी लोग अरविंद जी की सिपाही हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए उस दिन हमने कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया था, और आज जो आप यहाँ पे रामलीला मैदान में देख रहे हैं ये हक और बातिन की लड़ाई है, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। हमने सोचा क्यों ना सच्चाई की लड़ाई को साथ देके झूठ को मीडिया मेट करे और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इनको जवाब दे कि जो आपने अरविंद केजरीवाल जी के गिरेबान पे हाथ डाला है ये आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक साबित होगा। अच्छा, जिस तरीके से तानाशाही का जिक्र किया गया कि लोकतंत्र और तानाशाही जो चल रही है देश में, लोकतंत्र को बचाओ, जो इस रैली का नारा भी है कि तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे बड़े बड़े जुमले, ये जुमलों की सरकार है जो आज के डेट में देश में चल रही है और ये जुमलाबाजी अब ख़त्म होने वाली है। यहाँ देश में आज के डेट में लोकतंत्र को खतरा है, यहाँ तानाशाही ने ऐसा अपना सर निकाला है, आज मीडिया भी परेशान, आज लोग भी परेशान, आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी परेशान, आज सोशल एक्टिविस्ट भी परेशान, आज पॉलिटिकल लीडर्स भी परेशान। जब आप किसी सिटिंग सीएम को और किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को अरेस्ट कर रहे हैं तो एक आम जनता के साथ आप क्या हाल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि आज का दिन इनके खिलाफ जो है, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा और आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में इनको बहुत ही मुश्किल होगा। और इंडिया अलायंस के साथ है पूरा देश और हम जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं अरविंद जी के सिपाही है और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये अरविंद जी को बाइज्जत अपने घर वैसे ही नहीं पहुंचाएंगे जैसे इन्होंने इनको उनके घर से लिया था। देखिए, कुछ और लोग भी उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? मेरा नाम हीरालाल सोलंकी है, मैं जिला चांदनी चौक कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेजिडेंट हूँ। और जो आज ये रैली आपके सामने रखी गई है क्योंकि इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, पूरी दुनिया की इसके ऊपर नज़र है कि हिंदुस्तान के अंदर एक तानाशाही चल रही है, तानाशाही सरकार चल रही है। जो मोदी जी की कहना नहीं मानता है उसको पीछे ईडी और सीबीआई लगा देते हैं, है जी। जो कह रहे थे 2 करोड़ दे देंगे रोजगार, मैं कह रहा हूँ किसको दिया है 2 करोड़ रोजगार? महंगाई की पड़ रही है मार। इन्होंने केदारनाथ मंदिर में 200 करोड़ का जो सोने का घोटाला हुआ उसका नहीं पता चला। अडानी अंबानी को इन्होंने खूब रोजगार दे दिए हैं और चंदा दो धंधा लो, ये सरकार चल रही है। देखिए, अलग अलग तरीके से लोग हैं, कुछ लोग और हैं उनसे भी हम बात करते हैं। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए, कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से आए हैं, बिरसा मुंडा की पावन भूमि से हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने अरविंद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए लगभग हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा झारखंड और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से झारखंड के जो साथी हैं वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। अच्छा, आज का जो नारा है वो आपको पता ही है कि लोकतंत्र में कहा तानाशाही चल नहीं लगता आपको उस समय? देखिए, बात ऐसा है कि हर वो पढ़ा लिखा जो भारत का नागरिक है उसको पता है कि 200 वर्षों का जो संघर्ष है, जो 200 वर्षों का जो संघर्ष करने के बाद लगभग सदियों से जो हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसके बाद जो सुनहरा लोकतंत्र हमको मिला और वो लोकतंत्र आज अगर खतरे में है तो भगत सिंह का जो आत्मा रो रहा होगा इस बार का। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरा जो रामलीला मैदान है हम आपको दिखाएं, यहाँ पर खचाखच जो है वो भर चुका है, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरह, आप कहाँ से आए हैं? आप सिलमपुर से आए हैं, दिल्ली से। आज का नारा जिस तरीके से लोकतंत्र को बचाना है, क्या कहेंगे आप? जो कुछ हो रहा है गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है गलत कर रही है।
केजरीवाल साहब के ऊपर कोई केस नहीं, कुछ नहीं, बिना फालतू में उनको अंदर कर दिया है। क्यों करा है? पूरा निज़ाम गड़बड़ कर रखा है, दिल्ली का भी, पूरे देश का भी। क्या कहेंगे आप, खतरे में उनका तानाशाही चल रही है? ये तानाशाही गुंडागर्दी जो ये भारतीय जनता पार्टी की कंटिन्यूसली चली आ रही है, जब से 2014 से इन्होंने अपनी सरकार सत्ता में आए हैं, तो ऐसा लग रहा है ये भारत को लूट लूट कर पूरा ही खा जाना चाहते हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल आपने अभी देखा, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसे इकलौते नेता जो सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में सोचने वाले, जनता को फायदे देने वाले और जनता के हित में काम करने वाले, जो कि आज की डेट में आने वाले प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो उस डर से भाजपा के बंदे जो है डर डर के उसके ऊपर ईडी, प्रशासन, ये सबका खेल खेल रही है, जिसकी वजह से उनको बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनको गिरफ्तारी करवा के, और ये दिखाना चाहती है कि हम ऐसे ही डराएंगे, ऐसे धमकाएंगे, आप लोग पीछे हट जाओ। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, ये पंजाब की जनता है, ये पूरे भारत की जनता है, ये इंडिया अलायंस जो आज बना हुआ है, ये इसीलिए बना हुआ है कि हम किसी से पीछे जाने वाले नहीं है। और तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ ये आज हमने रामलीला मैदान में ये युद्ध छेड़ा है, और ये आज ही रामलीला मैदान में ही नहीं, ये कल आपको सड़कों पर चक्का जाम मिलेगा अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। देखिए लोगों के सुना कि आप किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर गुस्से में हैं, और कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी समीर खान के साथ राकेश सोनी, पंजाब के सिटी भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।